और रोपड़ में भी काउंटिंग सेंटर के आसपास पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एमएच1 प्राइम के संवाददाता तेजेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रोपड़ चमकौर साहब ते श्री आनंदपुर साहब ते फोर्स लगी हुई है। साढ़े SSP साहब श्री विवेकशील सोनी साहब, साढ़े SP हेडक्वार्टर साहब, SPD साहब सारे ने इतने प्रॉपर आउटर कॉटन इनर कॉटन ते जिथे काउंटू होनी है उत्थे CSF दी पहली लेयर है, सैकेंड लेयर पंजाब आर्मड पुलिस की है, थर्ड लेयर है जी वो पंजाब पुलिस की। मोबाइल फोन किसी नूं अलाउड नहीं, RO जा ARO सिर्फ मोबाइल ले जा सकते हैं, किसी भी बंदे का फोन अंदर नहीं जान देना। कोई भी प्राइवेट बंदा कॉलेज कल बंद है तो कल 12-1 बजे तक जो चलना है सारा। गेटा तो SHOs लगाए गए हैं, बाहर नाके लगे ने भी इतों तक कोई शरारती अंसर ना आ सके, नाकों पर DSP भी आप भी लगे ने, अंदर भी हरेक जिहड़ा हैगा जिथे काउंटिंग होनी उत्थे एक एक DSP साहब लगे ने, उन्होंने सुपरविजन SP साहब तो SSP साहब खुद कर रहे हैं। 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा की इलेक्शन हो चुकी है, जिसके नतीजे कल यानी कि 10 मार्च को आने वाले हैं। इन नतीजों के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रोपड़ कॉलेज का वो स्थान है जहां पर विधानसभा रोपड़, विधानसभा आनंदपुर साहब और विधानसभा चमकौर साहब के 3 उम्मीदवारों की जो किस्मत है यहाँ पर EVM में कैद हो चुकी है और जिसका नतीजा जो है वो कल आने वाला है। यह काउंटिंग सेंटर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा कंवरपाल सिंह और पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों की किस्मत जो है EVM की मशीनों में यहाँ कैद है, और देखना होगा कि कल किसकी किस्मत खुलती है और कौन हार का मुँह देखता है। तेजिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, रोपड़।